हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों के टाइम के हिसाब से। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं, और आप लोग सब लोग जमकर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जमकर लगे हुए हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जमकर पढ़ाई कर रहे हो। मैं शुरू करता हूँ अपनी आज की बात। और दोस्तों, अपनी आज की बात में हम लोग अपने कल के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा। वो ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों के साथ में कल की क्लास में डिस्कस किया था, और वहां पर मैंने एक पैरा 46 और 46A भी आपके साथ में डिस्कस किया था। और आपको मालूम है कि जो पैरा 46 और 47 है, इसका जो अंत समय है ये 31 मार्च 2020 को इसका अंत समय आ चुका है, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, खैर, लेकिन अभी भी इसके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाली बात बता दी। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर आपके सवालों में 31 मार्च 2020 के आगे की डेट आती है, समझा क्या? अगर 31 मार्च 2020 के आगे की डेट अगर आपकी आती है तो बेटा उस कंडीशन में आप लोग पैरा 46 और 46A नहीं लगाओगे, और वहां पर आप लोग सीधे जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा, चाहे लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पर कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा, वो पी एंडल में ही जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कल जब हम लोग सवाल कर रहे थे तो कल के सवाल में करते टाइम लास्ट पॉइंट में एक बात जो है वो यहां पे रह गई थी, वो भी मैं आपको बता दूं। बेटा, आप ये ध्यान रखना, ये जो कल का सवाल है इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को और करना है, वो भी आप लोग यहां पे कर लीजिए। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बता दिया था कि जो जो हमारा लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है उस पर हमें एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ, उस पर हमें एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ। अब वो जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है तो हम उसे डेप्रिशिएबल एसेट, जो भी हमारी डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट है, उसकी कॉस्ट में हम लोग उसकी बुक वैल्यू में उसे कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है। और अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है या किसी भी और चीज से रिलेटेड है तो हम उसे फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डाल देंगे, और जो भी हमारा लोन का ड्यूरेशन है, जो भी हमारा उस आइटम का ड्यूरेशन है, लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, उस यूजफुल लाइफ में हम लोग डेप्रिशिएट मतलब अमोर्टाइज कर देंगे, पी एंडल से राइट ऑफ कर देंगे। अब सुनो, ये जो 4.98 है ये एक फॉरेन करेंसी लोन से रिलेटेड आइटम है, और ये इस लोन की लाइफ कितनी है? 3 साल। अब ऑब्वियस ही बात है, इसे मुझे राइट ऑफ कितने साल में करना है? 3 साल में। और जो करंट ईयर है वो कौन सा साल है? पहला साल। इसका मतलब मुझे करंट ईयर में इसका 1/3 अमोर्टाइज भी करना है, राइट ऑफ भी करना है। तो हम लोग कल इसका 1/3 राइट ऑफ करना भूल गए थे, तो मैं सोच रहा हूं कि आगे की बात बाद में करेंगे, पहले इसे कर लें। टू फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम टाइमिंग डिफरेंस, बेटा 4.98 का लॉस है, इस लोन की लाइफ है 3 साल, मतलब मुझे इसे 3 साल में अमोर्टाइज करना है। तो बेटा इस साल मुझे अमोर्टाइज करना है 1.66। अब ये बताओ कि अगर मैंने 1.66 अमोर्टाइज कर दिया है तो बाकी का रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 3.32 लैक्स इन फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम टाइमिंग डिफरेंस विल बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बेटा जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस है 3.32 लाख का,
ये आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई देगा, और क्योंकि ये लॉस है तो ये माइनस में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वन थर्ड राइट ऑफ करने का काम हमने कल छोड़ दिया था, तो आज उस काम को मैंने कंप्लीट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज बेटा हम लोग अपना सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, और सेकंड टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। अब सर इसका क्या मतलब है? अरे सिंपल सी बात है यार, अगर तुम भारत के बाहर व्यापार कर रहे हो तो वो जो व्यापार भारत के बाहर हो रहा है उसका जो ट्रायल बैलेंस है वो किसमें होगा? फॉरेन करेंसी में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भारत से बाहर का कारोबार है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन करेंसी में है, लेकिन उन्हें अपनी जो रिपोर्टिंग करेंसी है, जो अपने इंडिया में बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनमें उन्हें मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज करने के लिए हमें पहले उसे रुपीज में बदलना पड़ेगा। तो ये टॉपिक हमें बता रहा है कि अगर आपका कोई फॉरेन ऑपरेशन है और उसका ट्रायल बैलेंस अगर आपका डॉलर में है या पाउंड में है या येन में है, मतलब किसी फॉरेन करेंसी में है, तो जो इंडियन करेंसी, जो इंडियन जो रुपीज वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके अंदर ये फॉरेन ऑपरेशन वाले स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन मर्ज करने से पहले आपको उसे रुपीज में बदलना होगा, उसे रिपोर्टिंग करेंसी में बदलना होगा। और रिपोर्टिंग करेंसी में बदलना कैसे है, हम वही बात यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैं ये वाली बात बहुत ज्यादा जोर लगाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब लोग ये वाली बात पहले से जानते हैं। आप लोग ने अपन लोगों ने फॉरेन ब्रांचेस का चैप्टर पढ़ रखा, और आपको मालूम है फॉरेन ब्रांचेस में क्या होता था? हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच अमेरिका में है। अब हेड ऑफिस क्या, हेड ऑफिस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रुपीज में है, ब्रांच के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो डॉलर में है, ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो डॉलर में है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है वो डॉलर में है, और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को अगर मुझे हेड ऑफिस की बुक्स में मर्ज करना है तो उससे पहले मुझे उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा रुपीस के अंदर। और ये जो ट्रांसलेशन है ये किस किस रेट पर होगा, कैसे कैसे होगा, उसी के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो फॉरेन ब्रांचेस में अपन ने पढ़ा था उसी का रिविजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि ये सारी बातें फॉरेन ब्रांचेस में अपन बहुत डिटेल में पढ़ के बैठे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को सारी बातें याद है। ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है सर फॉरेन ऑपरेशन किसे कहते हैं। देखो एक बात को समझो, फॉरेन ट्रांजैक्शन और फॉरेन ऑपरेशन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैंने अमेरिका के किसी आदमी को माल बेचा, दिस इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, कि मैंने अमेरिका में किसी व्यक्ति को माल बेचा है। लेकिन अगर मैं अमेरिका में ऑफिस खोल देता हूं, अमेरिका में शोरूम खोल देता हूं, और वहां पर पूरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज कंडक्ट करता हूं, मैं वहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा बल्कि पूरा बिजनेस ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा हूं, बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा हूं, तो ऐसे ऑपरेशन कंडक्ट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशंस। अब ऑब्वियस ही बात है, फॉरेन ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि मैंने भारत के बाहर कोई ब्रांच खोल दी, दैट इज फॉरेन ब्रांच। हो सकता है मैंने भारत के बाहर किसी कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लिया और उसे सब्सिडियरी बना दिया। मैंने भारत के बाहर कोई जॉइंट वेंचर कर लिया है, मेरा भारत के बाहर कोई बिजनेस एसोसिएट है, तो ऑब्वियस ही बात है ये फॉरेन ब्रांच, फॉरेन सब्सिडियरी, फॉरेन जॉइंट वेंचर, फॉरेन एसोसिएट, ये सब विदेशों में होने वाली ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, और बेटा इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशंस। एक बात समझना, फॉरेन ब्रांच खोली फॉरेन ऑपरेशन है, फॉरेन में मैंने कोई जॉइंट वेंचर किया फॉरेन ऑपरेशन है, फॉरेन में मैंने कोई एसोसिएट बनाया फॉरेन ऑपरेशन है, मैंने फॉरेन में कोई सब्सिडियरी एक्वायर की, फॉरेन में कोई ब्रांच खोली, ये सब फॉरेन ऑपरेशन है। अब प्रॉब्लम कहां पर है? ये सारे बिजनेस ऑपरेशन फॉरेन में हो रहे हैं तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फॉरेन करेंसी में होंगे। अब मुझे जो इंडियन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें इन्हें मर्ज करना है। अब इंडियन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रुपीज में है और ये सब डॉलर में है, तो इन्हें पहले मुझे डॉलर वाले ट्रायल बैलेंस को, डॉलर वाली बुक्स को मुझे रुपीज में बदलना होगा, और रुपीज में बदलने के बाद में मैं इसे मर्ज करूंगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। वैसे मैं चाहता हूं कि इसका नाम बदल के सही लिखा जाए, ये ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन नहीं है,
इसे बोलना चाहिए ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। जो हमारा फॉरेन ऑपरेशन है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रुपीज में कैसे बदला जाए इसके बारे में बात करनी। खैर सुनो, ऑपरेशनल ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कंडक्टेड इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है, देखो बेटा यहां पे भी करेक्शन है, ये शब्द होना चाहिए ऑपरेशनल एक्टिविटीज। तो सेंटेंस क्या है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कंडक्टेड इन फॉरेन कंट्री। तो बेटा अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में आपने कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी की है तो बेटा वो आपका क्या है, फॉरेन ऑपरेशन। फर्क समझना, अमेरिका में किसी आदमी को माल बेचा, दिस इज फॉरेन ट्रांजैक्शन। अमेरिका में ऑफिस खोला, अमेरिका में फैक्ट्री डाली, अमेरिका में शोरूम डाला और पूरा ऑपरेशन वहां पर कंडक्ट हो रहे तो वो फॉरेन ऑपरेशन है। ठीक है, ये किस रूप में हो सकते हैं, फॉरेन सब्सिडियरी के रूप में हो सकता है, फॉरेन एसोसिएट के रूप में हो सकता है, फॉरेन जॉइंट वेंचर के रूप में हो सकता है, फॉरेन ब्रांच के रूप में हो सकता है, या फिर इनके अलावा भी किसी और रूप में हो सकता है। अच्छा, लेकिन बेटा आपको याद होगा हमने ये वाली बात फॉरेन ब्रांच में भी पढ़ी थी कि AS 11 के द्वारा फॉरेन ऑपरेशंस को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक इंटीग्रल ऑपरेशन और दूसरा नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन। इंटीग्रल ऑपरेशन और दूसरा नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन। और आप लोग को मालूम है इंटीग्रल ऑपरेशन है अगर फॉरेन ऑपरेशन के द्वारा किया गया काम इंडियन, मतलब जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है उसी के काम का फर्दरेंस है, मतलब उसी के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर अगर जो फॉरेन ऑपरेशन है उसका काम बिल्कुल अलग है, वो इंडियन, वो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उस रिपोर्टिंग एंटिटी के काम से डायरेक्टली उसका कनेक्शन नहीं है, मतलब अपन इंडियन एंटिटी के काम का फर्दरेंस उसको नहीं बोल सकते, तो बेटा वो कहलाएगा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इसका मतलब अगर वो हमसे संबंधित, हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड बिजनेस कर रहा है देन दैट इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। लेकिन अगर वो वहां पे अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा है दैट इज नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब मेरी बात को सुनना, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, समझना। मान लेते हैं एक एंटिटी है हीरो साइकिल्स। ठीक है, हीरो साइकिल्स जो क्या बनाती है, साइकिल। अब हीरो साइकिल इंडिया में साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ठीक है, और हमने यूएसए के अंदर हमने एक ब्रांच खोल रखी है, वो इसी साइकिल को यूएसए में बेचेगी। तो आप समझो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूएसए में हमारी फॉरेन ब्रांच है वो इंडियन बिजनेस को ही फर्दर आगे बढ़ा रही है, तो ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। लेकिन मान लो अगर यूएसए वाली ब्रांच यूएसए में ही साइकिल खरीदे और वहीं पर साइकिल बेचे। अब भारत में हम भी साइकिल का कारोबार करते हैं और हमारी जो फॉरेन ब्रांच है वो भी साइकिल का कारोबार कर रही है, लेकिन वो साइकिल हमसे नहीं लेती, वो वहीं पर साइकिल खरीद रही है और वहीं पर बेच रही है। इसका मतलब हमारा बिजनेस उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हम फॉरेन ब्रांच को कंट्रोल करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट है वो भी समझ में आता है, लेकिन उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज सेपरेटली कंडक्ट हो रही है, तो बेटा ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। जहां पर आपको ये लगे कि फॉरेन ऑपरेशन रिपोर्टिंग एंटिटी जो भारत में है उसी के कारोबार को फर्दर आगे बढ़ा रहा है, उन्हीं एक्टिविटीज को आगे अगली स्टेप तक लेकर के जा रहा है, देन दैट इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और यदि उनके ऑपरेशन बिल्कुल सेपरेट इंडिपेंडेंट है तो वो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। खैर, अब आपको अगर याद आ जाए, मुझे लगता तो नहीं है कि आपको याद आएगा, पर फिर भी अगर आपको याद आ जाए तो इंटीग्रल
और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने में दो ही चीजों का फर्क था। एक तो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में अपन लोग नॉन मॉनिटरी आइटम्स को भी क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते हैं, और एक्सचेंज डिफरेंस को अपन पीएनएल से राइट ऑफ नहीं करते बल्कि उसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डालकर बैलेंस शीट में ले जाते हैं। याद है वो बात? खैर अभी उस पर आऊंगा मैं बड़ी डिटेल में, पर अभी एक बार यहां से आगे की बात सुनो। सबसे पहला इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है? भारत में जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, रिपोर्टिंग एंटिटी है, उसके कारोबार को अगले स्टेप तक लेके जा रहा है, उसी को आगे बढ़ा रहा है, तो इंटीग्रल है। देखो, अ फॉरेन ऑपरेशन विच इज कैरीड आउट एज इफ इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज लाइक डिपेंडेंट ब्रांचेस, सेल्स डिपो, फॉरेन आर्म इत्सेट्रा। मतलब अगर फॉरेन ऑपरेशन रिपोर्टिंग एंटिटी की एक्टिविटीज को ही फर्दरेंस में लगा हुआ है, रिपोर्टिंग एंटिटी के कारोबार को ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, अगली स्टेप तक ले जाने में लगा हुआ है, देन दैट इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। बेटा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस बात को अभी मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है? पहले अपन ये समझें, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन किसे कहते हैं? अब डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में सिंपल बोला गया था, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज फॉरेन ऑपरेशन विच इज नॉट इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। बेटा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की परिभाषा क्या है? जो इंटीग्रल नहीं है वो नॉन इंटीग्रल है। मतलब जिसकी एक्टिविटीज को आप रिपोर्टिंग एंटिटी की एक्टिविटीज का फर्दरेंस नहीं मान सकते वो नॉन इंटीग्रल है। लेकिन अब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के लिए कुछ इंडिकेशंस भी बताए गए कि अगर ऐसा हो तो आप मान सकते हो ये नॉन इंटीग्रल है। हमने पूछा क्या? कंट्रोल्ड बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है? वाइल रिपोर्टिंग एंटिटी मे कंट्रोल द फॉरेन ऑपरेशन, द एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आर कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली विदाउट मच डिपेंडेंस ऑन द रिपोर्टिंग एंटिटी। जो बात अभी मैंने बोली थी, रिपोर्टिंग एंटिटी फॉरेन ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी फॉरेन ऑपरेशन के काम काज का रिपोर्टिंग एंटिटी से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, तो बेटा वो क्या है? नॉन इंटीग्रल। इसका मतलब एक बात समझना, ये बात ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग एंटिटी फॉरेन ऑपरेशन को अगर कंट्रोल करती है तो वो उसे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन नहीं बनाता। कंट्रोल करती है कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो अपना कामकाज इंडिपेंडेंटली कर रही है, सेपरेटली कर रही है, आपके कामकाज से डायरेक्टली वो वाला कामकाज कनेक्टेड नहीं है, तो वो नॉन इंटीग्रल है, ठीक है? जैसे अभी भी मैंने बताया कि अगर हीरो साइकिल की अमेरिका में ब्रांच है, वो वहीं साइकिल खरीदती है और वहीं बेच रही है, तो उसका मतलब इंडियन ऑपरेशंस का और अमेरिकन ऑपरेशंस का डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, ये नॉन इंटीग्रल है। लेकिन हाँ, जो इंडिया जो हेड ऑफिस है भारत में वो उस अमेरिकन ब्रांच को कंट्रोल कर रहा है, दैट्स ओके, कंट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कंट्रोल कर पाना किसी भी ब्रांच को इंटीग्रल नहीं बनाता। नंबर दो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी जो भारत में है उसका और फॉरेन ऑपरेशन के बीच में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के ऑपरेशन एक दूसरे के साथ में क्लोजली कनेक्टेड हैं, और क्लोजली कनेक्टेड हैं तो आप इसे क्या मानेंगे? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। क्या मानेंगे? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है? तो ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हाई हैं तो ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कहलाएगा, और अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हाई नहीं है तो दोस्तों ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है? अच्छा,
अब वापस यही टॉपिक आ गया कि जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो एक काम करिए, आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और प्लीज मेरे साथ में अब इस बात को ध्यान से सुनिए। हाँ जी सुने, वैसे ये सारे नोट्स मैं फॉरेन ब्रांच में लिखवा चुका हूं, ट्रांसलेशन रूल्स फॉर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो जो भी हमारे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है और इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है उनके ट्रांसलेशन के रूल्स, तो यहां पर अपन ने कॉलम बना दिए आइटम्स, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। सबसे पहला, जितने भी आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हैं उनको या तो आपको एक्चुअल रेट पे कन्वर्ट करना है या फिर एवरेज रेट पे कन्वर्ट करना है। मतलब जिस दिन वो इनकम या एक्सपेंस अराइज हुआ उस दिन पर क्या रेट थी वो वाली रेट लगाओ, या फिर जो आपकी एवरेज रेट है वो लगाओ। नीफो में भी सेम है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में भी ये सेम है। अच्छा, नंबर दो, आपके जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं, मॉनेटरी आइटम्स का मतलब हो गया कैश एंड बैंक, डेटर्स, बीआर, क्रेडिटर्स, लोन्स एटसेट्रा। आप लोग जानते हैं मॉनेटरी आइटम वो सारी एसेट और लाइबिलिटी जिनका अमाउंट डिटरमिंड है, दे आर मॉनेटरी आइटम्स। बेटा सारी की सारे मॉनेटरी आइटम्स को हम क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते हैं, चाहे इंटीग्रल हो चाहे नॉन इंटीग्रल हो, दोनों को हम लोग किस रेट पे ट्रांसलेट करते हैं, क्लोजिंग रेट पर। ठीक है, थर्ड, नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट कॉस्ट। बेटा नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं और वो कॉस्ट पर हैं। अब नॉन मॉनेटरी आइटम क्या हो सकते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक। तो बेटा ये सब नॉन मॉनेटरी आइटम है क्योंकि इनसे फाइनली कितना पैसा रियलाइज होगा ये डिटरमिंड अमाउंट नहीं है, तो ये क्या है, नॉन मॉनेटरी। अगर ये कॉस्ट पर है तो हम लोग रेट लगाते हैं कौन सी, परचेज डेट वाली, रेट ऑन परचेज डेट, मतलब परचेज वाले दिन पर हमारी जो रेट थी वो लगाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा अगर ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो हम लोग नॉन मॉनेटरी आइटम पे भी क्लोजिंग रेट ही लगाते हैं। बेटा अगर मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट लगनी है, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम है तो याद रखना अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उस कंडीशन में खरीदने वाले दिन की रेट या फिर रिवैल्यूएशन वाले दिन की रेट लगाते हैं, लेकिन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हमेशा क्लोजिंग रेट लगाते हैं। अच्छा सर, अगर हमारी नॉन मॉनेटरी एसेट है, मैंने बोला ओके, एट रिवैल्यूड अमाउंट, और ये रिवैल्यूड अमाउंट पर है, मतलब हमने इसका रिवैल्यूएशन कर दिया है, तो फिर रेट कौन सी लगाएंगे, रेट ऑन रिवैल्यूएशन डेट।
तो भाई साहब आपने जिस दिन रिवैल्यूएशन किया था उस दिन की रेट हम लोग यहां पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? क्लोजिंग रेट। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो हम लोग क्या लगाएंगे? क्लोजिंग रेट। और एक लास्ट बात, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। अगर आपको याद आ जाए तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट के ऊपर वही रेट लगाते हैं जो एसेट पे लगाइए। रेट अप्लाइड ऑन फिक्स्ड एसेट, यहां पर भी सेम है, जो रेट फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगा रहे हो वही रेट आपको डेप्रिसिएशन पे भी लगानी है, ठीक है। तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि ये वाली जो सारी की सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं फॉरेन ब्रांचेस में। फॉरेन ब्रांचेस में मैंने आपको सेम नोट्स लिखवाए थे। अब एक बात मेन ध्यान से लिख लो सब लोग, ये है मेन बात, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। अब ऑब्वियस ही बात है आपको तो याद है ना, जब फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अपन लोग रुपीस में बदलेंगे तो ट्रांसलेशन की वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज डिफरेंस। इसका क्या करेंगे? अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो क्या होगा? एक्सचेंज डिफरेंस विल बी चार्ज्ड फ्रॉम पी एंड एल। तो बेटा अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसको हम उठाकर पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो एक्सचेंज डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोला करते थे FCTR, तो हम इसे कहां डाल देंगे? FCTR में, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल देंगे, ठीक है सर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल देंगे। फिर दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल, और ये जो FCTR का बैलेंस है इसे हम लोग पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कब? व्हेन नेट इन्वेस्टमेंट, व्हेन नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज डिस्पोज्ड। मतलब जब आप नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आपने जो पैसा लगा रखा है उस पैसे को वापस निकाल लोगे तो बस उसी टाइम पर अपन FCTR के बैलेंस को पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अगर आपकी फॉरेन सब्सिडियरी है, आपने सब्सिडियरी को बेच दिया, आपने फॉरेन ब्रांच बेच दी, बंद कर दी या बेच दी, आपने जो फॉरेन एसोसिएट है वो बेच दी, आपने फॉरेन ज्वाइंट वेंचर खत्म कर दिया या बेच दिया, तो बेटा जहां पर आपने फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज कर दिया बस उसी दिन FCTR का बैलेंस उठाकर मैं पी एंड एल में डाल दूंगा। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक मैं एक्सचेंज डिफरेंस को FCTR में डालता रहूंगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अच्छा, यहां पर एक सवाल और उठता है। आप बोलेंगे सर अब एक सवाल और क्या उठ गया? सर क्या होगा अगर कोई नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन था और वो बाद में इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन गया? मतलब पहले तो नॉन इंटीग्रल था, बाद में इंटीग्रल बन गया। जैसे जो मेरी अमेरिका में ब्रांच है वो पहले तो अमेरिका से ही साइकिल खरीदती थी, अमेरिका में ही बेचती थी, वो नॉन इंटीग्रल थी।
लेकिन अब अगर भारत से हमने साइकिल भेजना शुरू कर दिया और वो अमेरिका वाली ब्रांच अब हमारी ही साइकिल बेच रही है, तो पहले वो नॉन इंटीग्रल थी, अब इंटीग्रल बन गई, अब क्या होगा? या फिर पहले वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन थी, अब वो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन गई है। मतलब पहले हम भारत से साइकिल भेजा करते थे और वो उन्हीं साइकिलों को अमेरिका में बेचती थी, मतलब इंटीग्रल थी, लेकिन अब उसने भारत से साइकिल हमने भेजना बंद कर दिया, अब वो अमेरिका से खरीद कर अमेरिका में ही बेचती है। मतलब पहले इंटीग्रल थी, अब नॉन इंटीग्रल बन गई, अब क्या करोगे? ठीक है, अब सुनो, अब यहां पे ध्यान से समझना, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल के बीच का जो फर्क है इसे समझो। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में दो फर्क आते हैं। पहला, नॉन मॉनिटरी आइटम को हम हमेशा क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट कर रहे थे नॉन इंटीग्रल के केस में, और इंटीग्रल के केस में या तो खरीदने वाले दिन की रेट लगाते हैं या फिर रिवैल्यूएशन वाले दिन की रेट लगाते हैं। दूसरी दिक्कत, नॉन इंटीग्रल के केस में हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस को FCTR में डाल के रखते हैं, जबकि इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन के केस में हम लोग P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। ये दो ही तो फर्क है। अब इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर अगर कोई नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है और वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन जाती है, तो पहली बात, बैलेंस ऑफ FCTR, बेटा पहले क्या थी? नॉन इंटीग्रल, तो नॉन इंटीग्रल थी तो FCTR बना हुआ होगा, तो बैलेंस ऑफ FCTR विल नॉट बी ट्रांसफर टू P&L। ध्यान रखना, पहले आप नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन थे, और क्योंकि पहले आप नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन थे तो आपका FCTR के अंदर कुछ प्रॉफिट लॉस पड़ा होगा। तो ध्यान रखना, आप इंटीग्रल बन जाओ ना तो भी आप FCTR के बैलेंस को उठाकर P&L में ट्रांसफर नहीं करोगे। FCTR का बैलेंस P&L में तभी जाएगा जब आप इस फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज करोगे। ठीक है, मतलब नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल भी बन जाए ना तो भी जो पुराना FCTR का बैलेंस है वो FCTR में ही रहेगा, उसे P&L में नहीं डालेंगे। हाँ, अब इंटीग्रल बन चुके हो, अब जो आगे एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा वो सब P&L में जाएगा। ठीक है, लेकिन पुराना वाला P&L में नहीं जाएगा, वो अभी भी FCTR में पड़ा रहेगा। जब ये फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज होगा तभी FCTR में जाएगा, तभी P&L में जाएगा। नंबर दो, दूसरी दिक्कत, जो नॉन मॉनिटरी आइटम थे आप उन्हें क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते आए हो, लेकिन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में हम उन्हें खरीदने वाले दिन की रेट पे ट्रांसलेट करते हैं। तो अब इसमें सुनना, अब यहां पे क्या होगा कि जो नॉन मॉनिटरी आइटम है, आप ये मानोगे कि आपने पिछली बैलेंस शीट डेट पर जो क्लोजिंग रेट पर ट्रांसलेट किया है वही उनका कॉस्ट का अमाउंट है और आपको उसे उसी पे ट्रांसलेट करके रखना है। आ रही है मेरी बात समझ में? दोबारा सुनो, आप ये मान के चलोगे कि जो नॉन मॉनिटरी आइटम है वो आपने पिछली बैलेंस शीट डेट पर ही खरीदा था। आप समझो ना यार, पिछले साल तुमने नॉन मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट कर रखा है, तो तुम्हारी बुक्स में जो नॉन मॉनेटरी आइटम की वैल्यू है वो वैल्यू किस पर है? लास्ट ईयर की क्लोजिंग रेट पर, क्योंकि तुमने पिछले साल क्लोजिंग रेट पर ही ट्रांसलेट किया था। तो अब इसके ट्रांसलेशन को बदलो मत, बदलो मत, ठीक है, आप इसी को कॉस्ट मान लो। अरे समझा क्या? ऐसा समझो, मैंने 10 अक्टूबर 2020 को मैंने बिल्डिंग खरीदी थी। ये बिल्डिंग $1,00,000 की बिल्डिंग है, और जिस दिन मैंने खरीदी थी उस दिन $1 की रेट थी ₹40। ठीक है, मैंने क्या किया, ये मेरा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन था, तो ऑब्वियस बात है मैं इसे वैल्यू ₹40 की रेट पर नहीं करूंगा। मैंने इसे ट्रांसलेट किया क्लोजिंग रेट पर, और क्लोजिंग रेट क्या है? 42। तो मैंने इसे 42 की रेट में ट्रांसलेट किया और मैंने अपनी बुक्स में इसकी ट्रांसलेटेड वैल्यू कितनी पकड़ रखी है? 42 लाख। अब समझना, मान लो 2021 में मैंने ये जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन गई। अब भाई अगर ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन गई तो
तो बिल्डिंग तो वही 1 लाख डॉलर की है। अब समझना, अब ये नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल बन गई, और आप लोग को मालूम है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में हम लोग नॉन मॉनेटरी एसेट को जिस दिन खरीदा है उस दिन की रेट पे ट्रांसलेट करते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा सर अब इसको 40 पे ट्रांसलेट करो, तो जवाब है नहीं। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल बन गई तो आप नॉन मॉनेटरी एसेट की वैल्यू कौन सी वा नॉन मॉनेटरी एसेट की जो लास्ट ट्रांसलेटेड वैल्यू है ये जो लास्ट ट्रांसलेटेड वैल्यू है आप इसी को कॉस्ट मानोगे। मतलब आप इसका ट्रांसलेशन 42 के ऊपर ही करोगे, 40 के ऊपर नहीं करोगे। अच्छा मान लेते हैं ये जो 2021 है इसमें $1 की रेट हो गई 45। अगर ये नॉन इंटीग्रल ही रहती तो मैं बिल्डिंग को 45 पे ट्रांसलेट करता, लेकिन क्योंकि अब ये इंटीग्रल बन चुकी है इसलिए मैं आखिरी ट्रांसलेशन को ही कॉस्ट मान लूंगा। मैं 42 पे ही ट्रांसलेट करूंगा, ना 40 पे करूंगा ना 45 पे करूंगा। आ रही बात समझ में? समझो, दोबारा से समझो, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बनता है तो जो पुराना FCTR का बैलेंस है वो P&L में नहीं जाएगा। जब ये फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज होगा तभी आप FCTR के बैलेंस को P&L में ट्रांसफर करोगे। दूसरी बात, जो नॉन मॉनेटरी एसेट है उसकी नॉन मॉनेटरी आइटम है उन्हें हम लोग ट्रांसलेट करते हैं जिस दिन खरीदा उस दिन की रेट पर, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जिस दिन खरीदा उस दिन की रेट को तो मैं पहले ही बदल के बैठा हूं। क्यों? क्योंकि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हम लोग नॉन मॉनेटरी आइटम को भी क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते हैं, तो जो आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है वो आपने 10 साल पहले खरीदा था वो रेट तो मैंने कभी लगा ही नहीं, मैं तो हर साल उसे क्लोजिंग रेट पर वैल्यू करता जा रहा हूं। अब अगर आपने अचानक से अब ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन गया तो आपको पीछे की गलतियां सुधारने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट ट्रांसलेटेड अमाउंट है बस वही आपको कॉस्ट मान के ले लेना है। मतलब आप तो ये मान के चलो कि पिछले साल की जो 31 मार्च है जिस दिन रेट 42 थी आपने नॉन मॉनेटरी आइटम को उसी दिन खरीदा है और उसी दिन की रेट आपको लगानी है 42। आ रही है बात समझ में? पक्की बात? ओके, दूसरी चीज पर आते हैं। इसका मतलब ये समझो, यहां पे ये वाली बात भी लिख दें, लास्ट ट्रांसलेटेड अमाउंट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम विल बी टेकन एज कॉस्ट। जो लास्ट ट्रांसलेटेड अमाउंट था नॉन मॉनेटरी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के रूप में आपने जो आखिरी बार ट्रांसलेट किया था वही कॉस्ट मान लिया जाएगा। मान लेंगे हमने उसी दिन इसे खरीदा था, मतलब 42 वाली रेट ही हमेशा लगेगी। अच्छा लेकिन बेटा अगर ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन था और अब ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन गया है तो भाई पुराने में कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे पुरानी बातों में कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा काम है। अब आप नॉन मॉनेटरी आइटम्स को अब आप क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। अब तक नॉन मॉनेटरी आइटम को आपने खरीदने वाले दिन की रेट या फिर जो ईयर एंड की खरीदने वाले दिन की रेट या रिवैल्यूएशन वाले दिन की जो रेट है आपने उस पे ट्रांसलेट किया, लेकिन अब आप उसी को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। और दूसरा, ट्रांसफर एक्सचेंज डिफरेंस टू FCTR। और अब पुराने की बात नहीं कर रहा, अब जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा वो FCTR में जाए। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो मैंने यहां पे आपको बेटा इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई। पहले मैंने आपको इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का मतलब समझाया कि भाई साहब देख लो यार कि जो आपकी फॉरेन ब्रांच है या फॉरेन ऑपरेशन है वो क्या भारत वाले कारोबार को ही आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर वो बिल्कुल अलग ही कारोबार कर रहा है। अगर वो बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंटली कारोबार कर रहा है वो नॉन इंटीग्रल है, और अगर इसी के व्यापार को आगे बढ़ा रहा है तो वो इंटीग्रल है। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको दो इंडिकेशन भी बताए थे। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी
कि ये ध्यान रखना कि कंट्रोल कर सकने का मतलब ये नहीं है कि वो इंटीग्रल है। कंट्रोल तो आप कर ही सकते हो, फॉरेन सब्सिडियरी है, फॉरेन ब्रांच है, कंट्रोल तो आपका है, लेकिन उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं, तो फिर वो नॉन इंटीग्रल है। कंट्रोल इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कनेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज इंपॉर्टेंट। नंबर दो, अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो ये इंटीग्रल है, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है तो ये नॉन इंटीग्रल है, ठीक है। इसके अलावा कैश ट्रांसफर कितना फ्रीक्वेंट है, अगर आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली कैश को ट्रांसफर कर रहे हो तो भी ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, और अगर कैश का ट्रांसफर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है तो ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। अगर फॉरेन करेंसी की रेट बदलने का इंडियन ऑपरेशंस पे डायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है तो भी वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, लेकिन अगर डॉलर की रेट बदलने का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ऊपर रोजमर्रा के कैश फ्लो पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये नॉन इंटीग्रल है। ये कुछ इंडिकेशंस है जिनसे हम लोग इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल डिसाइड करते हैं। खैर, ट्रांसलेशन की बात करें तो आ जाओ, द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस आर ट्रांसलेटेड एज इफ दीज ट्रांजैक्शंस हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इटसेल्फ। अगर ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम को इस तरीके से ट्रांसलेट करो जैसे वो फॉरेन ऑपरेशन नहीं बल्कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया गया हो, ठीक। अब देख लो, मैंने इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए कौन सी रेट बताई, जिस दिन अराइज हुआ वो वाले दिन की रेट या फिर एवरेज रेट। मॉनेटरी आइटम के लिए क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम के लिए जिस दिन अगर कॉस्ट पर है तो खरीदने वाले दिन की रेट, रिवैल्यूएशन किया है तो रिवैल्यूएशन वाले दिन की रेट। देख लो, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में भी मैंने यही नियम सिखाए थे, है ना। तो यहां पर है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे ट्रांसलेट करो कि वो फॉरेन ऑपरेशन नहीं बल्कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन था, वो हमने खुद ने ही ट्रांजैक्शन किया है। खैर, इसको सिंपल वे में मैं ऑलरेडी आपको नोट्स ऊपर लिखवा चुका। देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द प्रिंसिपल एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ। आगे बात समझ में, जो बात अभी मैंने बोली, जैसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को ट्रांसलेट करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक। और उसके नियम अभी मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिए। अच्छा, अब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का क्या होगा सर? सुनो, बैलेंस शीट आइटम्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, क्लोजिंग रेट लगा दो। एसेट और लाइबिलिटी चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, एट कॉस्ट हो या एट रिवैल्यूड प्राइस हो, सीधे क्लोजिंग रेट लगा दो। नंबर दो, इनकम एंड एक्सपेंसेस को एक्चुअल रेट पे ट्रांसलेट करो, और अगर एक्चुअल रेट नहीं मिल पा रही तो आप एवरेज रेट भी लगा सकते हो। एक्चुअल रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो आप एवरेज रेट भी लगा सकते हो। रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, जिसे हम लोग बोलते हैं FCTR। जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में वो कहाँ डालेंगे? FCTR में, अंटिल द डिस्पोजल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और ये तब तक FCTR में रहेगा जब तक हम फॉरेन ऑपरेशन में जो हमने पैसा लगा रखा है, नेट इन्वेस्टमेंट है हमारा, उसे डिस्पोज ना कर दें, ठीक है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट पर ही ट्रांसलेट होगी, ऑब्वियस बात है। अच्छा, ये बताओ, डिस्पोजल ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है? या तो आप बेच दो या आप बंद कर दो, ठीक। व्हेन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज डिस्पोज्ड फुल्ली और पार्टली, द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज डिफरेंस लाइंग इन द FCTR इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस। अगर आपने नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन जो है आपका, जो फॉरेन ऑपरेशन है उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसे यदि आप डिस्पोज करते हो तो FCTR का जो बैलेंस है वो P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब अगर प्रॉफिट का बैलेंस है तो इनकम की तरह, लॉस का बैलेंस है तो एक्सपेंस की तरह, ठीक है। ये सब तो सिंपल बात है, ये वाली बात ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, पर ये आती है मेन बात, चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल। मतलब पहले वो फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल था, अब नॉन इंटीग्रल हो रहा है। तो पुराने में तो दिमाग लगाना नहीं है, पुराना तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, उसमें दिमाग मत लगाओ।
अब नॉन इंटीग्रल नॉन मॉनिटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना शुरू कर दूं, और नंबर दो जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा अब वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो एफसीपीआर में डालना शुरू कर दूं, दैट्स इट। मतलब पुराने में दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आगे की तरफ चलना है। ट्रांसलेशन प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नॉन इंटीग्रल शैल बी फॉलोड। अब आप ट्रांसलेशन के लिए नॉन इंटीग्रल वाले नियम लगाओगे, मतलब नॉन मॉनिटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना शुरू कर दोगे। अरे भाई यही तो फर्क है। अब नॉन मॉनिटरी आइटम को आप ट्रांसलेट करोगे एट क्लोजिंग रेट। अब नॉन मॉनिटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। दूसरे ही दीपक, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट एट द टाइम ऑफ रीक्लासिफिकेशन इज एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और बेटा जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अब आपका अराइज होगा वो सब कहां जाएगा? एफसीटीआर में। ठीक है, डन। आगे सुनो, चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल। अब ध्यान से सुना, नॉन इंटीग्रल से अगर आप इंटीग्रल बन रहे हो, अब आप नॉन इंटीग्रल थे पहले तो आपका कुछ पैसा एफसीटीआर में पड़ा है, उसे एफसीटीआर में ही पड़े रहने देना, पीएनएल में ट्रांसफर मत करना। और दूसरी बात, जो आपका नॉन मॉनिटरी आइटम है पहले आप उसे क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट कर रहे थे, लेकिन अब आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हो, अगर कॉस्ट ट्रांसलेट करना चाहते हो जिस दिन खरीदा उस दिन की रेट पर, तो ध्यान रखना जो लास्ट ट्रांसलेटेड अमाउंट है वही कॉस्ट माना जाएगा। मतलब लास्ट ट्रांसलेटेड अमाउंट जो है हम उसी दिन इसे खरीदा हुआ मान के चलेंगे। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ नहीं जाना, पिछली वैल्यू तक ही जा सकते हो आप। सुनो, ट्रांसलेशन प्रोसीजर एप्लीकेबल टू इंटीग्रल शैल बी अप्लाइड फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। अब इंटीग्रल वाले नियम लगने लगेंगे। नंबर दो, ट्रांसलेटेड अमाउंट ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम एट द डेट ऑफ चेंज इज ट्रीटेड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो आपने नॉन इंटीग्रल मॉनिटरी आइटम जो है उसका जो ट्रांसलेटेड अमाउंट है आप उसी को कॉस्ट मानोगे। अब जल्दी से मुझे बताओ कि जो नॉन मॉनिटरी आइटम है उसको आखिरी बार ट्रांसलेट कब किया था? पिछली बैलेंस शीट डेट पर। तो बस उस दिन जो ट्रांसलेटेड अमाउंट था उसी को कॉस्ट मान के चलना है। मतलब पिछले ट्रांसलेशन में जो आपने रेट लगाई थी वही रेट आपको अब आगे भी अप्लाई करनी है, ये मानते हुए कि ये पिछली बैलेंस शीट डेट पर ही खरीदी गई थी। समझ में आ रही बात? मतलब वही 42 वाली रेट लगाते हुए चलो। अब आगे एक और बात, एक्सचेंज डिफरेंस लाइंग इन एफसीटीआर इज नॉट, ध्यान से देखो क्या लिखा है, इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम एंड एक्सपेंस टिल द डिस्पोजल ऑफ ऑपरेशन इवन इफ फॉरन ऑपरेशन बिकम इंटीग्रल। ये बोल रहा है एफसीटीआर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो फॉरन ऑपरेशन के डिस्पोजल पे ही पीएनएल में जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब ये इंटीग्रल बन गई है। पुराना एफसीटीआर का बैलेंस एफसीटीआर में ही रहेगा, हाथों हाथ उसे पीएनएल में डालने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? यस सर, आ गई बात समझ में सर, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। खैर अब इसके ऊपर मैं आपको बता दूं एक बात, ध्यान रखना हमारे एग्जाम में अभी तक इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं इसके ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे आ सकता है कि हमारा नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल बन गई है और जो हमारा अकाउंटेंट है वो एफसीटीआर के बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करना चाहता है, तो आपका जवाब क्या होगा? नो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 11 FCTR का बैलेंस पीएनएल में तभी ट्रांसफर किया जाएगा जब फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज किया जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब हम इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन चुके हैं तो भी FCTR का पुराना बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल वाली बात मैंने तुम्हारे साथ में बहुत कर ली है और मुझे मालूम है कि तुमको मेरा ये सारा डिस्कशन बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, और बोरिंग इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी फॉरेन ब्रांचेस के चैप्टर में आप इतने सारे सवाल करके बैठे हो कि आपको ये सारी बातें आती हैं। आपने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन भी इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच भी
ट्रांसलेट किया हुआ है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच भी ट्रांसलेट किया हुआ है, एफसीटीआर के अंदर बैलेंस भी डाला हुआ है, उसे बैलेंस शीट में भी दिखाया हुआ है, अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का एक्सचेंज डिफरेंस है उसको पी एंड एल में भी डाला हुआ है, आपने ये सारे सवाल ऑलरेडी किए हुए। तो यहां पर मेरे सिखाने लायक जो बात थी वो तो सिर्फ इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल थी। और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है एक बार और रिवाइज कर ले तो क्या बुराई है, इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल बन रहे हो तो अब सारे नियम नॉन इंटीग्रल वाले लगेंगे। नंबर इसका मतलब जो आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है अब आप उसे क्लोजिंग रेट से ट्रांसलेट करना शुरू करोगे, जो पुराना एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ था उससे कोई मतलब नहीं, अब जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा वो सब कहां जाएगा, एफसीटीआर में। ठीक है, अगर नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल बन रहे हो तो जो एफसीटीआर में पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है वो एफसीटीआर में ही रहेगा, वो पी एंड एल में तब जाएगा जब ये फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज होगा, भले ही इंटीग्रल बन चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो नॉन इंटीग्रल जो नॉन मॉनेटरी आइटम है उसकी कॉस्ट आप कितनी लोगे, जो लास्ट ट्रांसलेटेड बैलेंस है उसके बराबर। ठीक है, पक्की बात। और अब आगे नियम कौन से लगेंगे, इंटीग्रल वाले। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। खैर, अब आ जाइए बेटा, ये जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है, प्लीज आप इस टॉपिक के ऊपर लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक अपन लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक है बहुत सिंपल लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे बोलेंगे सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं आपके साथ में इस पूरी बात को बड़ी गहराई से समझाऊंगा। ठीक, आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में ये नोट्स लिख भी सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज केयरफुली पूरी बात को सुनेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है? देखो दोस्तों, जैसे मैंने आज $100,000 का माल 1 अप्रैल 2021 को मैंने $100,000 का माल परचेज किया, ठीक है, और आज $1 की रेट चल रही है ₹70। आज $1 की रेट चल रही है कितनी, ₹70, और मुझे इसका पेमेंट करना है आज से 5 महीने बाद। अच्छा, ये माल मैंने उधार खरीदा है और मुझे आज से 5 महीने बाद इसका पेमेंट करना है, मतलब मुझे पेमेंट करना है 1 सितंबर 2021 को। अब प्रॉब्लम समझो, एज अ बिजनेसमैन मेरे दिमाग में एक डर चलेगा। डर क्या चलेगा, यार हो सकता है 1 सितंबर 2021 को डॉलर महंगा हो जाए। सोचो, आज अगर मैं पेमेंट करता हूं, मैंने $100,000 का माल खरीदा और $100,000 का मेरे को पेमेंट करना है, $1 कितने का आ रहा है, ₹70 का, तो अगर मुझे $100,000 का पेमेंट करना है तो मैं $100,000 खरीदूंगा, और $100,000 खरीदूंगा तो मेरे पैसे कितने लगेंगे, 70 लाख। लेकिन अब मेरे दिमाग में ख्याल ये आएगा कि यार 1 सितंबर को मुझे 5 महीने की उधार मिली है, मतलब 1 सितंबर को मुझे पेमेंट करना है, और हो सकता है 1 सितंबर को $1 की रेट बढ़कर 75 रुपीज हो जाए, और अगर $1 की रेट बढ़कर 75 रुपीज हो गई तो ये $100,000 मुझे कितने के मिलेंगे, 75 लाख के। तो ये $100,000 मुझे कितने के मिलेंगे, 75 लाख के। इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर की रेट बढ़ने से मुझे बैठे बैठे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब हो सकता है कि मैंने इस माल को बेच के 5 लाख रुपए का तो प्रॉफिट भी ना कमाया हो सकता है मैंने इस माल को बेचकर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी ना कमाया हो, लेकिन डॉलर की रेट बढ़ने से मुझे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब सोचो ना यार, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती ही नहीं है, और मैंने कोई गलती ही नहीं की, और बिना गलती के मेरे को यहां पर 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा रेट बदलने से। अब
सरकार ने नुकसान को समझा, सरकार ने इस दुविधा को समझा, सरकार ने देखा वास्तव में व्यापारी वर्ग इससे बहुत परेशान होगा, तो गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई, गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर के आई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या लेकर के आई? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। सर, ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में आप दूसरे व्यक्ति के साथ में एग्रीमेंट कर लेते हो। मेरी बात को सुनना। अब ये जो आदमी है, ये आदमी क्या करेगा? दूसरे आदमी के साथ में या फिर बैंक के साथ में, दूसरे आदमी के साथ में भी कर सकता है, बैंक के साथ में भी कर सकता है, दूसरे आदमी के साथ या बैंक के साथ में इसने 1 अप्रैल को ही एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट करके बोला कि मैं आपसे एग्रीमेंट करना चाहता हूं कि मैं आपसे 1 सितंबर को $1,00,000 खरीदूंगा। तो हमने एग्रीमेंट कर लिया दूसरे आदमी के साथ में कि भाई साहब हम 1 सितंबर को $1,00,000 आपसे खरीदेंगे। कितने? $1,00,000 हम आपसे खरीदेंगे। ठीक है, हमने बोला ठीक है सर, खरीद लेना $1,00,000। और हमने ये तय किया कि ये $1,00,000 हम आपसे 71 की रेट में खरीदेंगे। अब ध्यान से समझना, मैंने $1,00,000 खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, मतलब सामने वाले ने $1,00,000 बेचने का एग्रीमेंट कर लिया, और ये एग्रीमेंट की रेट भी हमने आज ही तय कर ली, 71 रुपीज। हमने आज ही तय कर ली 71 रुपीज। अब बच्चे बोलते हैं सर, आज अगर $1.70 का है तो ये एग्रीमेंट 71 पे क्यों रहा है? इसके पीछे टेक्निकल रीजन है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। सुना? तो ये जो आदमी है, इसने $1,00,000 मुझे 71 रुपीज में बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने आपस में एक फ्यूचर डेट पर, कब? 1 सितंबर 2021, आज से 5 महीने बाद, हमने आज किसी फ्यूचर डेट के लिए करेंसी एक्सचेंज का एग्रीमेंट कर लिया है और रेट भी तय कर लिए। तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा सुन लो, क्या बोलते हैं इसे? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बात फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर की डेट पर आपने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जो फ्यूचर वाली डेट पर एग्जीक्यूट होगा। क्या एग्रीमेंट है? करेंसी एक्सचेंज करने का। वो हमें डॉलर देगा, हम उसे रुपी देंगे। करेंसी एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट किया है और रेट भी प्री डिटरमिंड है, रेट भी पहले से तय है 71। तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक सवाल का जवाब रह गया कि सर आज अगर रेट 70 है तो एग्रीमेंट 71 पे क्यों होता है? समझना, ये आदमी जोखिम तो नहीं उठाएगा। ये आदमी क्या करता है? बैंक क्या करता है? ये आदमी क्या करता है जिसके साथ में भी आपने एग्रीमेंट किया? आपने इसके साथ में एग्रीमेंट किया है कि मैं तुमसे $1,00,000 खरीदूंगा। मतलब इस आदमी ने एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं तुम्हें $1,00,000 बेचूंगा। तो भाई ये आदमी क्या करेगा? ये आदमी आज ही $1,00,000 खरीद के बैठ जाएगा बाजार से। अब ऑब्वियस ही बातें, इस आदमी को 1 सितंबर को, इस आदमी को या बैंक को, 1 सितंबर को इस आदमी को या बैंक को $1,00,000 आपको देने हैं तो ये आज ही $1,00,000 खरीद के रख लेगा क्योंकि आपको देने हैं। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, इस आदमी ने 70 लाख रुपए अपने लगा दिए। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर ये डॉलर आपको 5 महीने बाद देगा, ऑब्वियस बात है ये 5 महीने का ब्याज भी कमाना चाहेगा। अब ये 5 महीने का ब्याज कमाना चाहेगा, इसीलिए बेटा ये रेट क्या होगी? ज्यादा। तो आप एक बात को समझो, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे रियल लाइफ में सिचुएशन अलग तरह की होती है, ये थियोरेटिकल बातें हैं, ये थियोरेटिकल बातें हैं। और थियोरेटिकल बात ये है कि जो बेचने वाला आदमी है वो आज ही $1,00,000 लेकर के रख लेगा जो आपको देने हैं। ठीक है, तो आज 70 रुपए की रेट में अगर मैंने खरीद के डॉलर रख लिए तो मैंने 70 लाख रुपए अपना लगा दिया।
अब अगर यही डॉलर में आपको 5 महीने बाद दूंगा तो ऑब्वियस बात है आपसे 5 महीने का ब्याज तो लूंगा, इसीलिए ये रेट ज्यादा कोट की गई है, ये रेट 71 कोट की गई है। आ गई बात समझ में? खैर, तो बेटा ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो आप चाहिए तो लिख लीजिए, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज करेंसीज ऑन अ फ्यूचर डेट, टू एक्सचेंज करेंसीज ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमिंड प्राइस, एट अ प्री डिटरमिंड प्राइस। तो बेटा ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। बेटा जो हमारे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ये दो कैटेगरीज क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए, दो कैटेगरीज, फॉर हेजिंग और दूसरा है फॉर स्पेक्यूलेशन। पहला है फॉर हेजिंग और दूसरा है फॉर स्पेक्यूलेशन। अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्या चक्कर है, फॉर हेजिंग और फॉर स्पेक्यूलेशन। अगर वास्तव में आपको ये वास्तव में आपको डॉलर की आवश्यकता है, आपने माल खरीदा अमेरिका से, आपने 1 लाख डॉलर का माल खरीदा, अब आपको 5 महीने बाद वाकई 1 लाख डॉलर का पेमेंट करना है और आपने उसके लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज एग्रीमेंट किया है, तो हम इसे बोलेंगे फॉर हेजिंग। हेजिंग मतलब होता है सुरक्षा के लिए, आपने अपनी सुरक्षा के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज एग्रीमेंट एंटर किया है, ठीक है। दूसरा होता है फॉर स्पेक्यूलेशन, मतलब आपने अमेरिका से कोई माल खरीदा नहीं है, आपको कोई डॉलर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आज से 5 महीने बाद डॉलर की रेट 71 रुपए, 71 से ज्यादा होगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज से 5 महीने बाद डॉलर की रेट 71 से ज्यादा होगी, तो आपने एग्रीमेंट कर लिया है, सुनना, आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज एग्रीमेंट कर लिया है 71 की रेट से, और आपका टारगेट यह है कि 5 महीने बाद में 71 रुपए में डॉलर खरीदूंगा और 75 रुपए में बाजार में बेच दूंगा। तो यहां पर आप 4 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो सट्टेबाजी से, आपको डॉलर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रेट का फर्क उठाना चाहते हो, रेटों के फर्क से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आप सट्टेबाजी करना चाहते हो, तो वो कहलाएगा फॉर स्पेक्यूलेशन। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से होते हैं, एक वाकई आपने अमेरिका से माल खरीदा है, आपको 1 लाख डॉलर का पेमेंट करना है, या फिर आपने अमेरिका में माल बेचा और आपके पास 1 लाख डॉलर आने वाले हैं, तो वास्तव में आपके पास डॉलर आने वाले हैं या जाने वाले हैं, और आपने उसकी, आपने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज एग्रीमेंट किया है, तो कहलाएगा फॉर हेजिंग। अब ना आपके पास डॉलर आने हैं ना आपके पास डॉलर जाने हैं, आप तो सट्टेबाजी कर रहे हो, आप तो रेट का फर्क खाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड फॉर स्पेक्यूलेशन। पक्की बात है? अब सुनना, ध्यान से समझ लो। अब यहां पे फॉरवर्ड एक्सचेंज की अकाउंटिंग में तीन एरिया आएंगे, तीन पॉइंट आएंगे। क्या आएंगे? तीन पॉइंट। सर तीन पॉइंट क्या? पहला पॉइंट बुकिंग। जब आप फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बुक कराओगे, बुकिंग। दूसरा, अगर सेटलमेंट के बीच में, बुकिंग कराने और सेटलमेंट के बीच में अगर बैलेंस शीट डेट आ रही है, तो
और तीसरा सेटलमेंट, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर आपने हेजिंग के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बुकिंग के टाइम पर आप फाइंड आउट करो कि आपका एक्स्ट्रा पेमेंट क्या है। मतलब जैसे यहां पे आज की रेट क्या है 70, और आप पैसे दे कितने, आपने एग्रीमेंट कितने में किया 71 में, मतलब आप ₹1 एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब इस ₹1 के एक्स्ट्रा पेमेंट को रिकॉर्ड करो। ये जो ₹1 का एक्स्ट्रा पैसा देना आपने तय किया है, आप इसे रिकॉर्ड करो। ये आपका प्रीमियम है, ये आपका खर्चा है। ये जो आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसकी कीमत आपको कितनी पड़ रही है ₹1। अब सुनना, इसे इस एक्स्ट्रा पेमेंट को अमोर्टाइज किया जाएगा। मतलब इस ₹1 के खर्चे को P&L में अमोर्टाइज किया जाएगा। इन दी प्रपोर्शन ऑफ पीरियड, और बेटा अमोर्टाइज किस रेशो में करना है, पीरियड के रेशो में। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझा दूं। जैसे मैंने फॉरवर्ड एक्सचेंज एग्रीमेंट किया 1 जनवरी 2021 को। मैंने फॉरवर्ड एक्सचेंज एग्रीमेंट कब किया, जल्दी बताओ कब किया, 1 जनवरी 2021 को ये मैंने एग्रीमेंट किया। ये 5 महीने का एग्रीमेंट है, तो मैच्योर कब होगा, ये मैच्योर होगा 1 जून 2021 को। और यहां पे बीच में बैलेंस शीट डेट आ रही है 31 मार्च 2021। सुनो, अब ये बताओ $70 है और वो मैं 71 में खरीद रहा हूं, तो मैंने ₹1 एक्स्ट्रा देना तय कर लिया। मतलब ये हुआ कि अगर सोचा जाए तो आज अगर मैं डॉलर खरीदता तो 70 का आता, लेकिन मैंने 5 महीने बाद डॉलर खरीदने का एग्रीमेंट किया है 71 में, तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए कितने रुपए का खर्चा किया, ₹1 का। 70 का माल 71 में खरीदना तय किया 5 महीने सेफ रहने के लिए, मतलब मेरा खर्चा कितना लगा, ₹1। और ये ₹1 का खर्चा $100,000 पे लगा, तो ये कितना हो गया, ₹1,00,000। अब सुनना, ये जो ₹1,00,000 मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, ये जो ₹1,00,000 का मैं खर्चा कर रहा हूं, ये 5 महीने की सुरक्षा पाने के लिए कर रहा हूं, जिसमें से 3 महीने इस साल में आएंगे, 2 महीने अगले साल में आएंगे। तो ये जो ₹1,00,000 का खर्चा है, इसे 5 महीने में डिवाइड कर दो, 60,000 का खर्चा इस साल रिकॉर्ड होगा और 40,000 का खर्चा इस साल रिकॉर्ड होगा। आ रही है बात समझ में? मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट में बुक करूंगा, उसी टाइम पर मैं ₹1,00,000 के नुकसान को रिकॉर्ड कर लूंगा, या ये नुकसान नहीं है, ये खर्चा है, ये अपने आप को बचाने की फीस है। तो मैंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, मैंने अपने आप को 5 महीने सुरक्षित रखने के लिए ₹1,00,000 का खर्चा किया, तो मैं ये ₹1,00,000 का खर्चा तो आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा, और इसमें से 60,000 का खर्चा P&L में डालूंगा इस बार और 40,000 का खर्चा P&L में डालूंगा अगली बार, टाइम के रेशो में मैं इसे डिवाइड कर लूंगा। आ रही है बात समझ में? बेटा सुनो, समझ में आ रही है? टाइम के रेशो में, पीरियड के रेशो में मैं इस एक्स्ट्रा पेमेंट वाले खर्चे को अमोर्टाइज करूंगा। लेकिन सुनना, बैलेंस शीट वाले दिन पर मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी, सेटलमेंट वाले दिन पर मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी। मतलब ये जो ₹1 का मेरा नुकसान है, ये जो ₹1 का मैंने खर्चा किया, मैं सिर्फ इसी को रिकॉर्ड करूंगा और इसी को पीरियड के बेसिस पर अमोर्टाइज कर दूंगा। क्लियर है बात? लेकिन सुनो, अगर मैंने ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने सट्टेबाजी के लिए किया है, तो भाई साहब जब आप बुकिंग कराओगे तब आपको कोई भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कोई खर्चा तो रिकॉर्ड बुक किया ही नहीं,
और आपको फायदा होगा या नुकसान वो भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब बुकिंग कराने के बाद सेटलमेंट से पहले बैलेंस शीट डेट आ गई, तो बैलेंस शीट डेट पर हम इसे मार्क टू मार्केट करेंगे। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है अपन बैलेंस शीट डेट पर देखेंगे इस सट्टेबाजी में अपने को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, समझ में आ रही बात। जैसे मैंने $100,000 खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया 71 की रेट में, मतलब मैंने किसी आदमी से एग्रीमेंट कर लिया कि भैया 5 महीने बाद मैं तुमसे $100,000 खरीदूंगा और 71 की रेट में खरीदूंगा। मान लो बैलेंस शीट डेट पर डॉलर की जो रेट है वो गई 65। अब बताओ मुझे फायदा है कि नुकसान। मैं $100,000 71 में खरीदने वाला हूं और उसका बाजार भाव चल रहा है 65, तो यहां पर मुझे ₹6 का नुकसान हो गया। तो बेटा ये जो ₹6,00,000 का नुकसान हुआ है, इस नुकसान को मैं हाथों हाथ पी एंडल में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा मान लो आज $1 की रेट बढ़कर हो गई 75। अब सोचो मेरे पास एग्रीमेंट है जो मुझे $100,000 दिलवाएगा 71 रुपीज की रेट से, जिसका बाजार में भाव चल रहा है ₹75, तो मैं 75 में खरीदूंगा और 71 में खरीदूंगा और 75 में बेच दूंगा, तो मेरे को ₹4 का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आज की तारीख में ये जो सट्टे के लिए मैंने एग्रीमेंट कर रखा है, इस सट्टे में आज की तारीख में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹4,00,000 का। तो ये ₹4,00,000 का जो प्रॉफिट है वो मैं अपने पी एंड एल में डाल दूंगा, समझ में आ रही बात। मतलब आप बैलेंस शीट डेट पर जो मार्केट प्राइस है उससे कंपेयर करके देखो आपको आज की तारीख में कितना फायदा नुकसान है। आप इसे मार्क टू मार्केट करो और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है उसे रिकॉग्नाइज कर लो। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है आप उसे आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। इसका मतलब जो आपका एग्रीमेंट 71 था, आज उसकी वैल्यू 75 है, तो भाई साहब आपके डॉलर की वैल्यू ₹4,00,000 बढ़ गई, आपको प्रॉफिट हो रहा है, पी एंड एल में डाल दो। अब सुनो, अब आएगा सेटलमेंट वाला दिन। अब ऑब्वियस ही बात है सेटलमेंट वाले दिन पर अब प्राइस या तो 75 से ऊपर चली जाएगी या 75 से नीचे आ जाएगी। अब मान लो प्राइस उस दिन 78 हो गई, इसका मतलब आपको ₹4,00,000 का प्रॉफिट तो हो ही चुका था, अब आपको ₹3,00,000 का प्रॉफिट और हो गया है, तो वो ₹3,00,000 का प्रॉफिट पी एंड एल में डाल दो। मान लो सेटलमेंट वाले दिन पर रेट 75 से गिरकर 73 आ गई, इसका मतलब 75 तक का प्रॉफिट आप रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन अब इसकी वैल्यू गिरकर 73 पर आ गई, तब आपको ₹2,00,000 लॉस बुक करना पड़ेगा। तो अब आप ये जो ₹2,00,000 का लॉस है ये पी एंड एल में डाल देना। मतलब आपने 75, 71 और 75 के बीच ₹4,00,000 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करके बैठे हो। अब अगर रेट गिरकर 69 हो गई तो आप क्या बोलोगे, 75 मिलने थे 69 मिल रहे हैं, तो भैया यहाँ पे ₹6,00,000 का तो $1,00,000 पे ₹6,00,000 का नुकसान हो गया, तो आपको ये ₹6,00,000 का नुकसान पी एंड एल में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट लॉस। तो जो भी आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट लॉस आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात सोचो, अगर आपने हेजिंग के लिए किया तो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो आपका खर्चा है, खर्चे को पीरियड के बेसिस पर पी एंड एल में अमोर्टाइज कर लो, काम खत्म, फिनिश बात खत्म। लेकिन अगर आपने सट्टेबाजी के लिए एग्रीमेंट किया है तो जब आप एग्रीमेंट बुक करो तब कोई एंट्री मत करो, बैलेंस शीट डेट तक आपको जितना फायदा हो गया पी एंड एल में डाल दो, फिर बैलेंस शीट डेट से लेकर सेटलमेंट वाले दिन तक आपको जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो उस साल के पी एंड एल में डाल दो, खत्म बात। आ रही है बात समझ में? चलो एक काम करते हैं, अपन इसके ऊपर कुछ सवाल करके देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर हम कुछ सवाल करके देखते हैं
और जब हम लोग सवाल करेंगे तो हमें बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ जी सर, सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए। और बेटा मैं आपको बता दूं कि अब जो सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6-7 जो भी आगे के सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप एक बात ध्यान रखना, एग्जाम वाले दिन भी इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर से करके जाना, क्योंकि इन क्वेश्चंस का एग्जाम में आने का जबरदस्त चांस है, जबरदस्त। अच्छा सुनो, मिस्टर वाई बॉट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months ऑफ US$2 lakh। बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का मतलब होता है डॉलर बाय करने वाले हम लोग, ठीक है। हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, इसका मतलब हमने एग्रीमेंट किया कि हम 3 महीने बाद $2 lakh आपसे लेंगे। अब सुनना, ये एग्रीमेंट कब किया भाई साहब आपने? 1 December 2001 को। और बेटा किस रेट पर किया? 44.1 की रेट पर, जबकि आज एक्सचेंज रेट क्या है? 43.9। बेटा आज 43.9 की रेट है, लेकिन वही डॉलर मैंने आपसे 44.10 में खरीदना तय किया, मतलब मैं आपसे 20 पैसे महंगा खरीद रहा हूं। और ये 20 पैसे महंगा क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि मैं अपने आप को 3 महीने के लिए सेव करना चाहता हूं। सही बात है, लेकिन वैसे यहां पे ये नहीं पता कि अभी तक हम हेजिंग कर रहे हैं या स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, अभी तक ये क्लैरिफाइड नहीं है। खैर जो भी है, तो भाई 1 दिसंबर को हमने एग्रीमेंट किया और ये 3 महीने का है, तो 3 महीने का मतलब हो गया जनवरी फरवरी मार्च, 1 मार्च, ठीक है। ये 2010 है, ये 2011 है, और ये एग्रीमेंट है बेटा $2 lakh का। और ये एग्रीमेंट हमने किया है 44.10 की रेट में, जबकि आज स्पॉट रेट, बेटा आज की रेट क्या चल रही है? 43.90, ठीक है। इतना मैंने सवाल पढ़ लिया, अब आगे सुनो। सवाल कहता है ऑन 31 दिसंबर व्हेन ही क्लोज्ड हिज बुक्स एक्सचेंज रेट वाज 44.2। ये कह रहा है हम अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं कब? 31 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को $1 की रेट क्या है? 44.20। $1 की रेट क्या है? 44.20। अच्छा आगे, ऑन 31 जनवरी 2011 ही डिसाइडेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट एट 44.30। अब वैसे तो एग्रीमेंट 1 मार्च तक के लिए है, वैसे तो एग्रीमेंट 1 मार्च तक के लिए था, लेकिन इस भाई ने तो 31 जनवरी को ही, मतलब बुकिंग तो यहां तक की है, लेकिन इसने तो 31 जनवरी को ही रीसेल कर दिया, मतलब ये एग्रीमेंट कैंसिल करवा लिया, रीसेल कर दिया। अच्छा, शो हाउ द प्रॉफिट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई। अब ये कह रहा है बताइए मिस्टर वाई की बुक्स में प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? अब बहुत गौर से सुनना। सबसे पहला इस सवाल में देखो, क्या इस सवाल में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि मैंने अमेरिका से माल खरीदा था, मैंने अमेरिका में से लोन लिया था, मुझे अमेरिका में किसी आदमी को पैसा चुकाना है, कहीं ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। और अगर इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि मुझे अमेरिका में किसी आदमी को पैसा लौटाना है, इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट सट्टेबाजी के लिए किया जा रहा है, ये हेजिंग के लिए नहीं किया जा रहा। जब मुझे अमेरिका में किसी आदमी को पैसा देना ही नहीं है, तो मैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के लिए तो कर ही नहीं रहा, फिर किसके लिए कर रहा हूं? स्पेक्यूलेशन के लिए। और आप लोग जानते हो स्पेक्यूलेशन में जब हम कॉन्ट्रैक्ट बुक कराते हैं तब हम कोई प्रॉफिट लॉस, कोई एंट्री पास नहीं करते। बैलेंस शीट डेट पर हम अपना प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं, सेटलमेंट वाले दिन पर हम अपना प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं। अब सुनो, सबसे पहली बात तो यहां पे एक बात जो मुझे समझ में आ गई वो ये कि
दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्पेक्यूलेशन। बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसके लिए है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा जी स्पेक्यूलेशन के लिए है। ठीक है, अब सुनो। अब स्पेक्यूलेशन के लिए है तो बेटा ये जो स्पॉट रेट है ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। अब सुनना बेटा, मैंने एग्रीमेंट किया था, ध्यान से प्लीज 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 सुन लो, मैंने $2,00,000 खरीदने का एग्रीमेंट कर रखा है 44.10 पर। मतलब मैंने $2,00,000 44.10 पे खरीदने का एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन आज डॉलर की रेट हो गई 44.20। तो जरा सोचो, तुम्हारे पास में $2,00,000 है, 44.10 की रेट पर तुमको मिलने वाले हैं, लेकिन आज उस डॉलर का बाजार भाव हो गया 44.20। डॉलर की रेट 10 पैसे बढ़ गई, तो आप मुझे बताइए क्या 10 पैसे के हिसाब से $2,00,000 पे मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ये एग्रीमेंट मैंने 31 जनवरी को कैंसिल कर दिया, और 31 जनवरी को एक डॉलर की रेट क्या है? 44.30। अब आप देखो, जो डॉलर 31 मार्च को 44.20 का था, उस डॉलर की रेट 31 जनवरी, जिस दिन मैंने ये एग्रीमेंट कैंसिल किया, जिस दिन ये एग्रीमेंट मैंने रीसेल किया, उस दिन डॉलर की रेट हो गई 44.30। तो 44.20 का डॉलर 44.30 हो गया, इसका मतलब 10 पैसे का फायदा मेरे को दोबारा हो गया। और ये जो 10 पैसे का मेरे को यहां पर प्रॉफिट हुआ, ये जो 10 पैसे के हिसाब से $2,00,000 पर मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ये 20,000 का प्रॉफिट भी कहां जाएगा? पीएनएल में। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट स्पेक्यूलेशन के लिए है। अब समझना, ये 20,000 का जो प्रॉफिट पीएनएल में जा रहा है, ये करंट ईयर में जा रहा है, और ये जो 20,000 का प्रॉफिट पीएनएल में जा रहा है, ये अगले साल जा रहा है। आ रही बात समझ में? बैलेंस शीट से इधर वाला प्रॉफिट इस साल के पीएनएल में, उधर वाला प्रॉफिट अगले साल के पीएनएल में। सिंपल लॉजिक, ठीक? आओ जी आओ, आप चाहें तो ये पैरा 39 के बारे में पूरी बातें लिखी हुई हैं, और अब आप यहां पे लिखेंगे करेक्शन। आप यहां पे करेक्शन करेंगे बेटा, ये जो सॉल्यूशन आपकी बुक में छपा हुआ है ये गलत छपा हुआ है, आप प्लीज इसे करेक्ट करें। ठीक है, चलो। हाँ जी बेटा, ये सारा का सारा गलत सॉल्यूशन है और आपको इसे सही करना है। चलो, अपनी अपनी कॉपी निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 6 का सही सॉल्यूशन मेरे साथ में करो। वैल्यू ऑन, यहां पे ईयर भी लिख देते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बुकिंग ईयर क्या है? बुकिंग ईयर है 2010। हाँ जी, 2010 में जो प्रॉफिट अपने को रिकॉग्नाइज करना है, वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2010 को हमारी वैल्यू क्या है एग्रीमेंट की? भाई मैंने $2,00,000 खरीदने का एग्रीमेंट कर रखा है, तो आप इसे ऐसे ही समझो, मेरे पास $2,00,000 है। ठीक है, और इस $2,00,000 की जो वैल्यू है वो हो गई है 44.20। तो भाई 2,00,000 × 44.20, तो भाई मेरे पास ये जो डॉलर खरीदने का एग्रीमेंट है, या मेरे पास जो $2,00,000 है, इनकी वैल्यू क्या है? 88,40,000। वैल्यू बुक्ड। और बेटा जो मैंने बुकिंग कराई थी, बुकिंग के टाइम पर
जो मैंने $1 खरीदने का एग्रीमेंट कर रखा है वो मैंने कर रखा है 44.10 की रेट पर। तो बेटा मैंने डॉलर खरीदने का जो एग्रीमेंट है वो कर रखा है 44.10 की रेट पर, और आज $1 की रेट बढ़कर हो चुकी है 44.20। तो आप मुझे बताइए 2 लाख इंटू 44.1 88,20,000। अब सोचो ना, आपने डॉलर खरीदने का जो एग्रीमेंट कर रखा है वो 88,20,000 पे कर रखा और उस डॉलर की वैल्यू बढ़कर 88,40,000 हो गई, तो आप कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट आपको इसी साल के पीएनएल में रिकॉग्नाइज करना है 20,000। लीजिए बेटा ये 20,000 का प्रॉफिट आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब 2011 में क्या हुआ, वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2010 को आपने इस $2 लाख के एग्रीमेंट को 88,40,000 पर वैल्यू कर लिया है। भैया 88,20,000 पे बुक कराया और आपने 20,000 का प्रॉफिट पकड़ लिया, मतलब अब आपने इस एग्रीमेंट की वैल्यू मान ली है 88,40,000 यहां पे ले आई हूं। लेकिन बेटा 31 जनवरी 2011 को जब आपने ये एग्रीमेंट रीसेल किया तो आपने ये रीसेल किया है 44.30 में। तो बेटा $2 लाख का ये एग्रीमेंट आपने 44.3 की रेट में रीसेल किया, मतलब आपने 88,60,000 में रीसेल किया। तो भाई साहब आपको प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 का, और ये हो जाएगा प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो बेटा आपको यहां पे 20,000 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है 2011 में। तो बेटा 2010 में 20,000 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है, 2011 में आपको 20,000 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है, बात खत्म। ठीक है, फ्री। अच्छा चलो ये ध्यान रखना बेटा, यहां पे लिख लेना, ये वाला सॉल्यूशन काट देना, लिख लो रॉन्ग सॉल्यूशन, लो भाई गलत सॉल्यूशन है ये। ठीक है, आ जाओ, आइए जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 7 के आगे भी ब्रैकेट में लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए बेटा इसके आगे भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लीज अब इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, यह हेजिंग का क्वेश्चन है। स्टेम लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर $30,000 ऑन 30th November 2013, पेबल आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने प्लांट खरीदा है $30,000 का 30 नवंबर 2013 को, और इसका पैसा मुझे देना है 6 महीने बाद। अब ऑब्वियस ही बात है, अब यहां पे मुझे $30,000 चाहिए, वो $30,000 मुझे हेजिंग के लिए चाहिए, सट्टेबाजी के लिए नहीं चाहिए। तो ध्यान से समझ लो, $30,000 का मैंने प्लांट खरीदा और इसका पैसा मुझे 6 महीने बाद देना है, तो मेरे मन में डर रहेगा कि यार 6 महीने में डॉलर की रेट बदल गई तो हो सकता है मुझे भारी नुकसान लग जाए। तो मैं इस नुकसान से बचने के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इसका मतलब मैं हेजिंग करवा रहा हूं। अच्छा, द कंपनी एंटर्ड इंटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ₹62.15। और बेटा हमने 6 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने कितने पे बुक किया, 62.15 पे। प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, 30 नवंबर 2013, ठीक है, और 6 महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई 2014, आज मैंने बुकिंग करवाई है
और बुकिंग बेटा आज मैंने करवाई 60.75 की रेट में, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं, ऑन 30 नवंबर 13 द एक्सचेंज रेट वॉज 60.75, लेकिन 30 सितंबर को जो एक्चुअल रेट है, जो स्पॉट रेट है, आज जो बाजार में भाव चल रहा है। अच्छा ये बेटा 60.60, मैंने 62.15 की रेट में बुक कराया और आज रेट क्या चल रही है, 60.75। तो बेटा मैंने यहां पे जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बुक करवाया ये 62.15 की रेट में बुक कराया, जबकि आज बाजार में रेट क्या चल रही है, 60.75। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बताओ जो डॉलर आज 60.75 का मिल रहा है, मैंने वही डॉलर 62.15 में खरीदना तय कर लिया। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं 1 रुपए 40 पैसे एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं? आराम से सोच के जवाब दो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डॉलर आज 60.75 का मिल रहा है, वही डॉलर आज मैं 62.15 का खरीदना एग्री कर लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब 1 रुपए 40 पैसे महंगा खरीद लिया? और बेटा 30,000 डॉलर में देखें तो करीब 42,000 महंगा खरीदना तय कर लिया है, पक्की बात है। अब सोचो बेटा, ये एग्रीमेंट मैंने स्पेक्युलेशन के लिए नहीं किया, हेजिंग के लिए किया है। और बेटा ये बताओ, ये 42,000 एक्स्ट्रा पे करने से मुझे कितने महीने की सुरक्षा मिल रही है, 6 महीने की। अब सुनो, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014 को, तो हमारा साल 31 मार्च 2014 को खत्म हो रहा है, तो गिनो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने इस साल में आ रहे हैं, 2 महीने अप्रैल और मई, 2 महीने अगले फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हैं। अब इस 42,000 के खर्चे को अगर मैं 4 महीने और 2 महीने में डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 28,000 और ये आ जाएगा 14,000। तो समझो 28,000, 28,000 का खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर में बुक होगा और 14,000 का खर्चा अगले फाइनेंशियल ईयर में बुक होगा। देख लो आंसर, देखिए, लो भाई 28,000 का जो खर्चा है, 42,000 में से 4 महीने का, मतलब 28,000 का जो खर्चा है वो इस साल के पीएनडल में जाएगा और बाकी 14,000 का खर्चा अगले साल के पीएनडल में जाएगा। बेटा अगर आप हेजिंग कर रहे हो तो ये 42,000 बिजनेस एक्सपेंस है और ये बिजनेस का खर्चा है, इसे 4 महीने और 2 महीने में डिवाइड कर दो। और अगर आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हो तो फिर स्पेक्यूलेशन में टाइम का कोई रोल नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये तो सट्टेबाजी है। तो बैलेंस शीट डेट पर देख लो, जितना प्रॉफिट लॉस कमा चुके वो साल के पीएनडल में डाल दो, और बैलेंस शीट डेट के बाद सेटलमेंट वाले दिन तक जो प्रॉफिट लॉस कमाया वो अगले साल के पीएनडल में डाल दो। हेजिंग करा रहे हो तो ये खर्चा है, टाइम के रेशो में डिवाइड कर लो, ठीक। अरे सोचो ना, जो डॉलर आज 60.75 का है, वही डॉलर में 62.15 का खरीदना एग्रीमेंट में डाल रहा हूं, मतलब मैं 1 रुपए 40 पैसे डॉलर महंगा खरीद रहा हूं ताकि मैं 6 महीने तक सेफ रहूं। तो ये 1 रुपए 40 पैसे मेरा 6 महीने का खर्चा है और खर्चे को डिवाइड कर दो 4 महीने और 2 महीने। अगर ये स्पेक्यूलेशन होता तो मुझे इस वाली रेट से कोई लेना देना नहीं रह जाता। अब मैं बैलेंस शीट वाली दिन पे देखता, आज डॉलर की रेट क्या है, अब मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने 62.15 की रेट में खरीद रखा कर रखा है, मतलब मेरे को डॉलर 62.15 की रेट में मिलेंगे। अब बैलेंस शीट वाले दिन पर मैं देखता डॉलर की रेट क्या है, जितना प्रॉफिट लॉस हो चुका बुक कर लो, फिर बैलेंस शीट डेट से लेकर सेटलमेंट वाले दिन तक जितना प्रॉफिट लॉस हो चुका वो उस साल के पीएनडल में डाल दो, और ऐसा हो जाता, ठीक, बात खत्म। चलो
तो लीजिए बेटा, यहां पर मैंने आप लोगों को ये वाली बात भी समझा दी। चलिए, तो मैंने यहां पर आप लोगों के साथ में फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। यहां पे हमने एक मशीन खरीदी थी और मशीन का पैसा चुकाने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये हेजिंग है, अपने आप को बचाने का प्रयास है। अगर यहां कोई मशीन ना खरीदी होती तो ये स्पेकुलेशन होता। ठीक है, चलो अब डिस्क्लोजर वाली बात कर लेते हैं। हमें एंटरप्राइज को ये सारी की सारी बातें डिस्क्लोज करनी है। अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस जो आपने पी एंड एल में डाला है वो आपको बताना पड़ेगा। अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में आपने जो पैसा डाला नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन वाला, वो आपको बताना पड़ेगा। आपको रिकंसिलेशन भी करके बताना पड़ेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का FCTR में, मतलब साल के पहले दिन आपका FCTR का बैलेंस कितना था, एडिशन डिलीशन क्या हुआ और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये रिकंसिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। इफ रिपोर्टिंग करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच एंटिटी इज डोमिसाइल्ड, रीजन फॉर सच डिफरेंस। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का हेड ऑफिस भारत में है लेकिन कंपनी रिपोर्टिंग करेंसी फॉलो कर रही है डॉलर, मतलब जिस देश में आप स्थित हो आप उस देश की करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी नहीं मान रही, तो आपको इसका कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना भी एक्सचेंज डिफरेंस पी एंड एल में डाला वो बताओ, जो FCTR में डाला वो बताओ, जो FCTR का रिकंसिलेशन है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का वो दिखाओ, और इसके अलावा यदि आपकी रिपोर्टिंग करेंसी आपकी डोमिसाइल्ड कंट्री की करेंसी से डिफरेंट है, मतलब जिस देश में आप मुख्यतः सिचुएटेड हो, अगर उस देश की करेंसी आपकी रिपोर्टिंग करेंसी नहीं है तो फर्क क्यों ले रहे हो, फर्क क्यों है, उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने क्लासिफिकेशन चेंज किया है, मतलब इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल, तो आपको बताना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में चेंज क्या हुआ है, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल हुआ है या नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल हुआ है। रीजन बताना पड़ेगा, भैया ऐसा क्या हो गया कि ये चेंज हुआ है। तीसरा, इफेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड पर इस चेंज का क्या इफेक्ट पड़ा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट, जो आपका प्रॉफिट लॉस है उस पर आपका क्या इफेक्ट पड़ा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जनरल डिस्क्लोजर है और अगर आपका क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है तो भी आपको ये चार बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। इनके बारे में बातें एक बार देख लेना, पढ़ लेना, कोई खास पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है। और एग्जामिनेशन में वैसे भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमारे एग्जाम में बहुत ही कम मांगी जाती है, बहुत रेयर पूछते हैं, तो देख लेना एक बार। ठीक है, और ये लीजिए बेटा, यहां पर मेरा पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यहां पर कंप्लीट होता है। तो यहां पर जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यहां पर जाकर फिनिश होता है। और मुझे यहां पर दिख रहा है कि मेरे पास में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आप लोगों को एक बार इसका फटाफट से रिविजन करवा दिया जाए। सबसे पहली बात, आपको मालूम है ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मेरे साथ साथ फटाफट फटाफट बोलेंगे, मेरे साथ साथ जितनी बातें आपको याद है मेरे साथ साथ बोल के रिवाइज करो। सबसे पहली बात, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी के लिए मैंडेटरी है, बोलो मेरे साथ, सभी के लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सबके लिए मैंडेटरी है। नंबर दो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीन बातों को डिस्कस करता है। पहला, फॉरेन करेंसी में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। नंबर दो, अगर कोई फॉरेन ऑपरेशन है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। और नंबर तीन, अगर आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ चीजों को डील नहीं करता, जैसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे ये उसके बारे में बात नहीं करेगा। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी दूसरी करेंसी में ट्रांसलेट करना चाहते हो ताकि यूजर को ज्यादा अच्छे से बात आपकी समझ में आ सके, तो उस ट्रांसलेशन को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कवर नहीं करेगा, उसको भी ये कवर नहीं करेगा। और तीसरी बात, जो आपका फॉरेन करेंसी लोन है जिसमें आप फॉरेन करेंसी की रेट के बदलने से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को आप ब्याज की बचत के बराबर ब्याज मान लेते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के मुताबिक, उसे भी AS 16 कवर करेगा, उसे AS 11 कवर नहीं करेगा। फिर हमने डेफिनेशन की बात की थी, हमने बात की थी सबसे पहला
हमने बात की थी क्लोजिंग रेट की। तो क्लोजिंग रेट क्या है? बैलेंस शीट वाले दिन पर जो एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग है उसे हम लोग क्लोजिंग रेट बोलते हैं। एवरेज रेट एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो भी एक्सचेंज रेट रही उनका अगर आप मीन कैलकुलेट कर लो तो उस मीन को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट। इसके बाद में हमने सीखा था मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम का मतलब होता है वो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज जिनका रियलाइजेबल या सेटलमेंट वाला जो अमाउंट है वो डिटरमिंड है उसे हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी आइटम। और जिनका रियलाइजेबल अमाउंट या सेटलमेंट अमाउंट डिटरमिंड नहीं है, तय नहीं है, वो कहलाते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम, वो कहलाते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो हमने ये वाली बातें डेफिनेशन में पढ़ी थी। इसके बाद में फिर हमने सीखा था कि अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बताया था फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के केस में तीन चीज़ें होंगी। एक, ट्रांजैक्शन को इनिशियली रिकॉर्ड करना। दूसरा, बैलेंस शीट डेट पर दोबारा ट्रांसलेट करना। और तीसरा, सेटलमेंट वाले दिन पर जो भी प्रॉफिट लॉस अराइज होगा उसके बारे में बात करना। इनिशियल रिकॉग्निशन में मैंने आपको बताया था इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन पर जो फॉरेन करेंसी की रेट थी आपको उसी रेट पर ट्रांसलेट करके उसे लेना है। बैलेंस शीट डेट पर मैंने आपको बताया बैलेंस शीट डेट पर एसेट और लाइबिलिटी को दोबारा ट्रांसलेट नहीं करना है, वो सॉरी इनकम और एक्सपेंसेस को दोबारा ट्रांसलेट नहीं करना है। पर एसेट और लाइबिलिटी जो फॉरेन करेंसी में सेटल होनी है आपको उसे दोबारा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी एसेट लाइबिलिटी है तो आपको बैलेंस शीट डेट पर उसे दोबारा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर वो मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पर, नॉन मॉनेटरी आइटम है और कॉस्ट पर है तो जिस दिन खरीदा था, जिस दिन अराइज हुआ था, जिस दिन इनिशियली रिकॉर्ड हुआ था उसी दिन की रेट आपको लगानी है। और अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है और रिवैल्यूड अमाउंट पर है तो जिस दिन रिवैल्यूएशन किया था आपको उस दिन की रेट लगानी है। ठीक है, लेकिन यहां पर पैरा 46 और 46A का रोल आता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, लॉन्ग टर्म मतलब जिसका सेटलमेंट 12 महीने या उससे उसके बाद होने वाला है, फॉरेन करेंसी मतलब जिसका निपटारा फॉरेन करेंसी में होना है, मॉनेटरी आइटम जिसका अमाउंट डिटरमिंड है, तो लॉन्ग टर्म 12 महीने, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होना है, मॉनेटरी आइटम जिसका अमाउंट डिटरमिंड है। तो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के दोबारा ट्रांसलेशन किए जाने पर, क्लोजिंग रेट पर ट्रांसलेट किए जाने पर अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो कैपिटलाइज किया जाएगा। कैसे? अगर वो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है तो डेप्रिशिएबल एसेट की बुक वैल्यू में जोड़ जोड़ दिया जाएगा। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है या किसी भी और चीज के लिए है तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और बेटा ये जो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन रिजर्व, ट्रांसलेशन डिफरेंस में आपने जो पैसा डाला इसे इस मॉनेटरी आइटम की यूजफुल लाइफ के दौरान पीएनएल से अमोर्टाइज कर दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इज इट क्लियर? अच्छा, सेटलमेंट वाले दिन की बात करें तो सेटलमेंट जो होगा वो सेटलमेंट वाले दिन पर जो भी एक्सचेंज रेट है उसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और उससे जो भी प्रॉफिट लॉस अराइज होगा वो प्रॉफिट लॉस भी पीएनएल में डाल दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? इसके बाद में हमने पढ़ा था इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ट्रांसलेट किए जाएंगे, हमने इनके बारे में पढ़ा था। हमने इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो क्या होगा, इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में कन्वर्जन हो रहा है तो क्या होगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था। हेजिंग के लिए है तो जितना एक्स्ट्रा पैसा आपका लग रहा है उसे पीरियड के बेसिस पर खर्चे की तरह डाल लो, अलग अलग पीरियड में खर्चे की तरह डाल लो टाइम के रेशियो में। और अगर आपने ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन के लिए किया है तो जितने पर आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बुक किया और बैलेंस शीट वाले दिन पर जो डॉलर की रेट है उससे प्रॉफिट लॉस निकालकर इस साल के पीएनएल में डाल दो, और बैलेंस शीट डेट पर जो रेट है और सेटलमेंट जिस रेट पर हो रहा है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अगले साल के पीएनएल में प्रॉफिट लॉस की तरह डाल दो। बात खत्म। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको अभी इन दो क्लासेस में मैंने आपको सिखाई हैं। और आई होप कि अगर आप लोग एक बार घर जाकर के इसका रीडिंग लगा लोगे, घर पर अगर आप लोग खुद से इसको एक बार रीड भी कर लोगे तो भी आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक,
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? ध्यान से प्रिपेयर करना, जरूर से प्रिपेयर करना, ठीक? तो बाय फॉर नाउ, मिलेंगे अपन अगली क्लास में।